नमस्कार, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज कंपनियों के एकीकरण से एक अपने सवाल को हल करते हैं। एक दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, और इन दोनों कंपनियों को एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही है, एक्स वाई लिमिटेड, जो इन दोनों कंपनियों को खरीदेगी। एक्स लिमिटेड को खरीद रही है 5 लाख में और वाई लिमिटेड को खरीद रही है 2.5 लाख रुपये में, और दोनों कंपनियों के बैलेंस शीट दी हुई है। अपने को एक्स वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए और एक्स वाई लिमिटेड का चिट्ठा भी बनाइए। ने अपने को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज करनी है और क्रेता कंपनी की बैलेंस शीट है वो अपने को बनानी है। तो अपने एडिंग डालते हैं, क्रेता कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड, तो एडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड क्रेता कंपनी। क्रेता कंपनी पहले एंट्री क्या करती है, एसेट और लाइबिलिटीज को खरीदने की, और किस मूल्य पर एंट्री करेगी, खरीदे हुए मूल्य पर। तो अपने पहले एक्स वाई लिमिटेड है वो एक्स लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की एंट्री करेंगे, और फिर वाई लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री अपने करते हैं, देखो गुडविल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस फिगर है, इसको एक बार रहने दो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,12,500, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,75,000, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 37,500 और बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये। जो जो एसेट क्रेता कंपनी ने खरीदी है जिस मूल्य पर, उस मूल्य पर हम एसेट को डेबिट कर देंगे। और अब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में जो जो लाइबिलिटीज क्रेता कंपनी ने खरीदी है उस मूल्य पर हम लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। तो लाइबिलिटीज के अंदर खरीद रही है 2 सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 1,50,000 और 2 BP अकाउंट 25,000 और 2 लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, इसमें आएगा एक्स लिमिटेड का परचेज कंसीडरेशन जो कि है 5 लाख रुपये। अब डेबिट और क्रेडिट का आपने अंतर निकालेंगे, तो अंतर आ रहा है डेबिट के अंदर, और डेबिट में अंतर आता है तो वो होती है गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर ये 25,000 रुपये आ रहे हैं। तो ये पहली एंट्री हुई एक्स लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की। अब सेकंड एंट्री करेंगे वाई लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की। तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 37,500, स्टॉक अकाउंट डेबिट 75,000, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 और बैंक अकाउंट डेबिट 87,500 रुपये। जो जो एसेट क्रेता कंपनी ने खरीदी उनको हम डेबिट कर देंगे। और 2 सन्ड्री क्रेडिटर 50,000, 2 बिल पेबल्स अकाउंट 37,500 और 2 लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट, इसमें क्या आएगा, परचेज कंसीडरेशन वाई लिमिटेड का है 2,50,000 रुपये। तो जो जो एसेट जिस जिस मूल्य पर खरीदी उस मूल्य पर हम एसेट को डेबिट कर देंगे, और जो जो लाइबिलिटीज जिस मूल्य पर खरीदी उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और परचेज कंसीडरेशन भी क्रेडिट हो जाएगा। अब यदि दोनों का अंतर देखें तो अंतर आ रहा है क्रेडिट के अंदर, तो क्रेडिट में यदि अंतर आता है तो
तो वो होता है कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर अंतर आ रहा है 62,500 रुपये। तो ये दो एंट्री हुई, पहले तो एक्स लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की और दूसरी वाई लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की। अब हम एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का पेमेंट करेंगे। तो एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक्स लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन है 5,00,000 और लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड का पीसी है 2,50,000 रुपये। और टू परचेज कंसिडरेशन के भुगतान में जो हम दे रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का भुगतान इक्विटी शेयर में किया जा रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा आपके 7,50,000 रुपये। आगे यहाँ पर क्या है कि वो अंतः कंपनी व्यवहार है, ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड के स्टॉक में 20,000 रुपये का माल वाई लिमिटेड से क्रय किया गया शामिल है। एक्स लिमिटेड के स्टॉक में 20,000 का माल वाई लिमिटेड से क्रय किया गया शामिल है और जिस पर वाई लिमिटेड ने 20% विक्रय पर लाभ शामिल किया है, यानी एक्स लिमिटेड ने माल खरीदा वाई लिमिटेड से, तो एक्स लिमिटेड के स्टॉक में शामिल है 20,000 रुपये का माल। अब देखेंगे कि इस स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट का वो बता रहे हैं कि वाई लिमिटेड है ना, वो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाकर बेचता है। तो माल कितने का खरीदा हुआ है, यहाँ मैंने नोट लिखा है स्टॉक में शामिल नए वसूल हुआ लाभ अनरियलाइज प्रॉफिट। माल कितने का खरीदा हुआ है उसके पास 20,000 रुपये का और लाभ क्या है विक्रय मूल्य पर 20%। तो ये विक्रय मूल्य है तो 20,000 × 20% तो 4,000 रुपये, यानी स्टॉक में 4,000 रुपये का अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। उसको हम कैंसिल करेंगे और उसको कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है कि कैपिटल रिजर्व या गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और यहाँ ये ध्यान रखना कि कैपिटल रिजर्व को तभी डेबिट करना जब वो पहले से क्रेडिट हो। यदि कैपिटल रिजर्व पहले से क्रेडिट है तो हम उसको डेबिट करेंगे, नहीं तो गुडविल अकाउंट ही डेबिट होगा। तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है तो स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको कैंसिल करने की एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से जो एक ही चीज़ अपने को रखनी होती है, जो कम है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो पहले एंट्री में अपनी गुडविल है 25,000 रुपये और सेकंड में कैपिटल रिजर्व है 62,500 रुपये। तो गुडविल को अपने ख़त्म करेंगे तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 25,000 रुपये से। तो ये हुई क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज। और ये जो आपके अंतः कंपनी व्यवहार जो होते हैं जैसे परस्पर ऋण और स्टॉक में शामिल नए वसूल हुआ लाभ, इनका मैंने पहले भी बताया था कि वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई प्रविष्टि नहीं होती है, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ही प्रविष्टि होती है। आगे वो पूछ रहे हैं कि अपने को क्रेता कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट भी बनानी है, तो अपने एडिंग डालते हैं बैलेंस शीट ए जोन और एक्स वाई लिमिटेड, क्रेता कंपनी कौन सी है एक्स वाई लिमिटेड। अभी जो अपने क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज की थी उन एंट्रीज से ही ये बैलेंस शीट बनेगी। तो पहले लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की जारी की थी
परचेज कंसिडरेशन का भुगतान किया था 7,50,000 रुपये, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 7,50,000 रुपये। फिर आते हैं आपके कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व हमारा क्रेडिट हुआ था 62,500 रुपये, 62,500 में से स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको जब अपने समाप्त किया तो कैपिटल रिजर्व 4,000 डेबिट हो गया, तो 62,500 में से 4,000 घटा देंगे। और फिर गुडविल को समाप्त करते समय कैपिटल रिजर्व 25,000 से और डेबिट हो गए, तो 62,500 में से 4,000 घटाएंगे और फिर 25,000 घटाएंगे, यानी 25 और 4, 29,000 घटाएंगे, तो कैपिटल रिजर्व रह रहा है हमारा 33,500 रुपये। और फिर है देखो सन्ड्री क्रेडिटर, दोनों कंपनियों के जो क्रेडिटर खरीदे थे उनका टोटल कर देंगे, उन दोनों का टोटल हो रहा है 2,00,000 रुपये। और फिर आपके आते हैं बिल्स पेबल, जो दोनों कंपनियों के बीपी है उनका टोटल कर देंगे, तो वो आ रहा है 62,500 रुपये। और अब हम अपने आते हैं एसेट साइड के अंदर, एसेट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, दोनों कंपनियों की जो भूमि और भवन खरीदा उन दोनों का टोटल कर देंगे, दोनों का टोटल हो रहा है 1,50,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दोनों का टोटल कर देंगे 1,50,000 रुपये। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल हो रहा है आपके 2,50,000 रुपये, क्योंकि एक कंपनी का स्टॉक था आपके 1,75,000 और दूसरी वाली का था 75,000, तो दोनों का स्टॉक हुआ 2,50,000, उसमें से 4,000 का हमने स्टॉक यहाँ पर क्रेडिट किया था कि अनरियलाइज प्रॉफिट वाला, तो 2,50,000 में से 4,000 कम हो जाएगा, तो स्टॉक आएगा आपके 2,46,000 रुपये। सन्ड्री डेटर अकाउंट, दोनों का टोटल कर देंगे 3,00,000 रुपये। बिल रिसीवेबल अकाउंट, दोनों कंपनियों के जो बीआर खरीदे थे उन दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल आ रहा है आपके 87,500 रुपये। और कैश एट बैंक, दोनों कंपनियों का कैश एट बैंक है वो टोटल कर देंगे, एक का है 25,000 और दूसरी का है 87,500, और दोनों का अगर टोटल करें तो ये आ रहा है 1,12,500 रुपये। तो ये हुई आपके कैश एट बैंक। अब बैलेंस शीट की टोटल करेंगे दोनों साइड की, तो इस साइड की टोटल आ रही है 10,46,000 रुपये और इस साइड की भी टोटल आ रही है 10,46,000 रुपये। बैलेंस शीट की दोनों की टोटल साइड बराबर आएगी। तो ये एक बच्चों सवाल था अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में, जिसमें अपने को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज करनी थी और उसके बाद में उसकी बैलेंस शीट भी बनानी थी, और यहाँ पर एक अनरियलाइज प्रॉफिट का भी था। तो अनरियलाइज प्रॉफिट, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अनरियलाइज प्रॉफिट और परस्पर ऋण म्यूचुअल डेब्ट्स जो आपस में म्यूचुअल होते हैं, जैसे डेटर क्रेडिटर बीपी बीआर लोन एडवांस, इनको कैंसिल करने के लिए वेंडर कंपनी की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होती है, और इनको कैंसिल करने की क्रेता कंपनी जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक्स में ही अपने एंट्री करेंगे। तो ये सवाल अपने हल किया, धन्यवाद।